होशंगाबाद जिले के सेमरी हरचंद में शनिवार की रात भजन संध्या का आयोजन किया गया। आयोजन उमेश मित्तल परिवार द्वारा किया गया, जिसमें श्याम बाबा के भक्तों ने शिरकत की। कार्यक्रम में महाराष्ट्र एवं इटारसी से आए गायकों द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने फूलों की होली खेली और नृत्य किए। मित्तल परिवार के अनूप मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि श्याम बाबा खाटू वाले महाभारत के पांडव पुत्र भीष्म के पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे, जिनको भगवान शंकर से वरदान प्राप्त था। महाभारत युद्ध के समय बर्बरीक ने अपना सिर काटकर भगवान कृष्ण के चरणों में चढ़ाया था। उसके बाद से वह श्याम बाबा के नाम से प्रचलित हुए व कलयुग के देवता बने। बाबा को खीर चूरमा का प्रसाद का भोग लगाया जाता है। वही शरद पूर्णिमा होने से लोगों ने भजनों का आनंद लिया। मित्तल ने बताया कि श्याम बाबा उनके कुल देवता है। शनिवार रात अकोला महाराष्ट्र से नेतल शर्मा, उमेश शर्मा एवं इटारसी से कृतिका मालवीय एवं पंडित कनक की टोली ने भजनों की प्रस्तुति देकर भक्तों का मन मोह लिया। गायकों ने श्याम बाबा के समक्ष भगवान कृष्ण के भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद भगवान की आरती कर खीर चूरमा व मगध की महाप्रसादी का वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त श्याम बाबा के दरबार में भजन सुनने पहुंचे। और जितने भी भक्त बैठे हैं पीछे भी सभी तालियों के साथ मिलकर आपकी सरकार है तो इनकी आवाज आप तक पहुंचनी चाहिए कि आप हमारी सरकार हैं। गर्व के साथ गाइए। Let it be.